गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ कोलकाता और बहुत एक्साइटेड हूँ। शो है मेरा और एक दिन घूमने के लिए मिलेगा। अविनाश आया कर दो बैग लेके। गुड मॉर्निंग। कितना डिफरेंट लग रहा है ना, इसके डिफरेंट लुक के बारे में मैं अभी गाड़ी में बैठ के बात करूँगी। इतना फनी लग रहा है, मैंने तो इसको पहचाना ही नहीं। जरा गाड़ी में बैठ जाऊँ फिर बात करती हूँ आप लोगों से। और गाड़ी मैं ही चलाऊंगी। तो ये चली मैं कोलकाता की ओर। तैयार हो ऐसा चलने के लिए? तैयार हो? आ जाओ। कोलकाता में बड़ा मुश्किल होता है ना कोलकाता बोलना। कैलकटा बोलने की आदत है मेरे को अभी भी। हो सकता है मेरे बीच में मुंह से बार बार कैलकटा ही निकले। तो मेरा कल शो है और काफी बड़ा शो है, बहुत बड़ा शो है। भोजपुरी अवार्ड नाइट है, प्लस आई एम गोइंग टू परफॉर्म। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे भोजपुरी के, बड़े से बड़े। देखते हैं किस किस से मेरी एयरपोर्ट में मुलाकात होती है। आई डोंट नो सेम फ्लाइट में कौन कौन है। मैं हूँ मुझे इतना पता है। कमिंग बैक टू अविनाश्स लुक। अविनाश का ये जो लुक है, ये जो बिना दाढ़ी के है, दाढ़ी हटवा दी है, मुझे छोटी छोटी कर दी है। इसने कोई नई फिल्म साइन करी है और उसमें जो रोल है, तो आप नाम से ही समझ जाओगे कि ऐसा ये क्यों बना हुआ है। रोल का नाम है पिंटू तिवारी। विवि तुम कितने फनी लग रहे हो इसमें यार, कितने फनी लग रहे हो। कैसे चलेगा यार? मैं फनी लग रहा हूँ? हाँ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ ना कुछ दिन तक, जब तक ये शूटिंग कर रहे हो। शिफ्ट हो जाओ ना कहीं और। तो तुम मेरे से आँख बंद करके बात कर लिया करो ना इस बीच में। मैं तो चाहती हूँ आंखों पे पट्टी बांध दूं मैं अपने। आँख बंद करके क्यों, मुझसे देखे नहीं जा रहे तुम? कैसे दिख रहे हो यार, दाढ़ी बढ़ा लो ना, दाढ़ी अच्छी लगती है तुमको। चलो कोई बात नहीं, मैनेज करना पड़ेगा। मूछे तो नहीं उड़वा दोगे ना? अगर तुमने मूछे उड़वा दी तो तुम बात भी मत करना, देखना तो बहुत दूर की बात है। आई हेट है मगर ये मूछे हुई कटवा ले। आप लोगों ने इसको मूछों के बिना देख लेना, आप पहचानोगे नहीं, क्योंकि कोई और बंदा मेरे साथ बैठ के आ रहा है गाड़ी है। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और फिर रात को मेरा नाइट शूट है, तो आज की रात भी गई और अब कल की रात भी जाएगी। तो बेबी अभी आके सो जाना ना तुम घर में, तुम्हारे साथ है ना साथ देने के लिए कैंडी कोको चेरी। इसकी क्या गारंटी है कि आगे मुझे नींद आ जाएगी? आ जाएगी बेबी, मैं मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है तुम पे। तुम कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त सड़क पे भी सो सकते हो तुम। मुझे तकिए पे सर रखने के 30 सेकंड्स के अंदर नींद आ जाती है, और मुझे तकिए के सर रखने के 30 आवर्स बाद नींद आती है। ये भी कितना डिफरेंस है हम दोनों में यार। मुझे नींद ही नहीं आती और उसको नींद ही आती है। यहाँ पे हमारी सोच मिलती नहीं है बेबी, कुछ करना पड़ेगा। मैं इसको कई बार लात वात मार देती हूँ ताकि इसको पता लगे कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। कैन यू बिलीव इट, इसको नींद नहीं आती है ना तो रात को कैंडी क्रश खेलती है। यक बेबी, कैंडी क्रश वैसे मत बोलो। मैंने पता कितने कहां तक पहुंच गई हूं मैं, 950 क्रॉस कर लिया मैंने कैंडी क्रश में। अपनी शूटिंग के बारे में तो बताओ लोगों को, इतनी अच्छी फिल्म कर रहे हो तुम। मैं एक फिल्म कर रहा हूं जिसमें मैं, मिस्टर संजय मिश्रा, पूरब कोहली, इससे ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता, बट इट्स अ वेरी नाइस फिल्म। आज से उसका शूट शुरू है और जल्दी आप लोगों को फिल्म देखने को मिलेगी। इस फिल्म के बारे में तुम्हें तो पता है ना मैं भी। हाँ, बहुत कमाल की फिल्म होने वाली है और मेरा रोल भी। उसके लिए अविनाश ने बहुत वेट भी लूज किया। अगर आप इस पे ध्यान दो तो इसके डोले शोले सब कम हो गए हैं, इसे बहुत मेहनत करी है। तो मैंने 7 to 8 केजीज लूज किया है इस फिल्म के लिए एक महीने में। और हाँ यार, बहुत मेहनत करी है। लेकिन मैं भी डाइट तो मैंने ही कराई थी, तुम्हें भूल गए? हाँ, मेरी डाइट का पूरा ध्यान, कितने बजे क्या खाना है, कितना खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, इसका पूरा ध्यान रखा है संभावना ने। इस वजह से मैं ये अचीव कर पाया। मेरे टाइमिंग के बारे में जरा लोगों को बताओ, कुछ तारीफ करो बेबी मेरी। तुम तारीफ करते ही नहीं हो मेरी, मैं हमेशा देखा है। तुमने अभी बोला तारीफ करने के लिए, उसके बाद 2 सेकंड भी नहीं हुए और तुमने उसका जजमेंट भी पास कर दिया। लेकिन वैसे भी मैं नहीं भी बोलती हूँ, तुम तब भी नहीं करते हो, बोलती हूँ तब भी नहीं करते हो। इस मेरी छवि तो अच्छी दिखाई नहीं तुमने। इस फोन कॉल से पहले ही तुम्हारी तारीफ हो रही थी, तुम्हें पता है बात? वो तो उसकी हो रही थी ना, अपना डाइट की तारीफ हो रही थी ना, मैं डाइट का ध्यान रखती हूँ। लेकिन तुमने मेरी अदरवाइज नहीं की,
मतलब पंक्चुअलिटी की तारीफ नहीं करी है। अच्छा तो ठीक है, एक काम कर दे, मैं ना एक डायरी और पेन है उसमें लिख लेता हूँ किस किस की करनी है, फिर रोज एक एक किया करूंगा। मतलब तुम नहीं करना चाहते ना? शॉर्ट कोई बात नहीं बेबी, ये याद रखना डाइट का ध्यान मैंने रखा था। याद क्या रखना है, मैंने लोगों को बता तक दिया है, अब इससे ज्यादा क्या याद है? लेकिन ये तुम्हारे तुमने बताया है ना, उसको ना ही बताते तो अच्छा था, क्योंकि तुम्हारे बताने में भी ना बताना था। बताने में ना बताना कैसा होता है? मतलब ऐसा कोई बड़े बेदिल से कोई बताता है तो उसको ना बताना कहते हैं, जो दिल से बताता है वो बड़ा एंथू होता है। अच्छा। जैसे मैं, हाँ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संभावना ने जिस कंडीशन में वो अमृतसर का व्लॉग बनाया है, अगर शायद मैं होता या कोई और भी होता तो वो नहीं बना पाता। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उसने व्लॉग में कहीं भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, और उसके बावजूद उसने वहाँ पर ट्रैवल किया, जगह घूमी, ताकि वो अपने व्लॉग को और अच्छा बना सके और आप लोगों तक बहुत अच्छी फुटेज और वीडियोस पहुँचा सके, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग चीज़ें पहुँचा सके। आई अप्रिशिएट दैट बेबी। थैंक यू बेबी, तारीफ करी मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे बेबी ने मेरा मजाक नहीं बनाया अमृतसर का, वो पहले दिन तो थोड़ा सा बनाया था कि ये क्या हुआ, लेकिन अविनाश को लगा कि अमृतसर में मेरी फ्रेंड शायद रात तक पहुंच जाए, लेकिन वो रात को पहुंची जरूर, लेकिन अपने अपने घर। तो अभी हम लोग मिलते हैं एयरपोर्ट पे, फटाफट अब एयरपोर्ट पहुंचता, मेरी हेयरड्रेसर पहुंच चुकी है। तो ये पहुंच गए हम एयरपोर्ट, और इतना सुबह सुबह इतना रश, पूरा बम्बई बाहर जा रहा है क्या? मैं भी सारी दवाइयाँ डाल दी थी तुमने? हाँ। क्योंकि जो तुम नहीं डालते हो ना दवाई में, वही मुझे हो जाता है। अरे ये एक अंकल डस्टबिन लेके क्यों जा रहे हैं साथ में, देखो डस्टबिन नहीं है, वो लंच बॉक्स है इतना बड़ा। हाँ, खाते हैं, अंकल की डाइट होगी भाई। तो फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट, ये रही नीतू। नीतू हाय, गुड मॉर्निंग, अपने डिम्पल दिखा दो। नीतू के डिम्पल फेमस हो गए हैं, चला की दिखते हैं। चलो बेबी बाय, मैं जा रही हूँ। चलो बाय बाय बाय, मैं चला सोने। चलो बाय बाय, फोन करती हूँ पहुँच के। मिल गए हमारे बोर्डिंग, कॉफी टाइम। नीतू कॉफी? बिल्कुल बिल्कुल, नीतू को मैं कॉफी पिला पिला के मार देती हूँ। मुझे अभी भी यहाँ पे मैक का शोरूम दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे ग्लिटर खरीदना था, बट मुझे अविनाश ने स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर तुम्हें कोई शॉपिंग करी तो मैं तुम्हारा कार्ड छीन लूँगा। मेरा कार्ड ना छीन गया, लेकिन इतनी शॉपिंग की चीज़ें देखो यार, मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता यार शॉपिंग की चीज़ें देख के, मुझे सब कुछ खरीदना है यहाँ पे। बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया है, मुझसे ना कंट्रोल ही नहीं होता। हाँ, मेरा कार्ड छिन जाएगा इस बार अगर उसने कोई भी शॉपिंग करते हुए देख लिया मुझे, तो पागलों की तरह करती हूँ मैं शॉपिंग यार, हाथ रुकता ही नहीं है मेरा। चप्पल तो ले लूँ, एक टी शर्ट तो ले लूँ, थोड़ा मेकअप तो ले लूँ। एक सेकेंड नहीं तो मिली, थैंक गॉड यार। जल्दी आओ, गेट्स बहुत दूर हैं, तो मैं इसमें जा रही हूँ। हील पहनी हुई है ना, हील नहीं पहननी चाहिए थी मुझे। थैंक गॉड तुम मिल गई रास्ते में। हाँ, हम लोग एक दूसरे को घूम गए थे एयरपोर्ट पे ही, घूम गए। नीतू घूम गई थी एयरपोर्ट पे। हम जा रहे हैं हम गेट की तरफ, कितना मज़ा आ रहा है, मैं इसमें बैठती नहीं हूँ कभी भी, बड़ा मज़ा आ रहा है बैठ के। मैं चाय भी नहीं पी रहा हूँ इसमें, कॉफ़ी बहुत स्ट्रांग थी, फिर चाय बनाने में टाइम लगा, फिर जब चाय आई तो टाइम ख़त्म हो गया, भाग गई मैं। सो अब मैं फ्लाइट के अंदर पीऊँगी। और सब लोग नींद में, और यहाँ पे फोटोग्राफ खींच रही है हमारी, और सबके मुंह सूजे हुए। एक बार बता देते ना कि फोटोग्राफ पीछे खींचने वाले लोग हैं। चले, मैंने गाड़ी के अंदर अभी अभी एक मच्छर देखा है, इसको मारो ना, अगर आपके हाथ में आता है तो मारो मारो मारो। नहीं मरा, यही है वही, आपके वहाँ पैर पे जाके छुप गया वो। ये रहा मेरे पास, हाँ नहीं मच्छर है, मिला
मार दिया नीतू ने, कहाँ है मच्छर दिखाना, हाँ उसकी बॉडी देखनी है। ये अरे कहाँ मरा, झूठ बोल रही थी ये रहा। एक गाड़ी खराब हो गई है, दूसरी में बैठ रहे हैं, पहले ही गलत गाड़ी में बैठ गए थे हम लोग, आई डोंट नो व्हाई। एक्चुअली पहले ही हम लोग रॉन्ग गाड़ी में बैठ गए थे, जल्दबाजी में इतने सारे लोग थे ना वो वहाँ पे फोटोग्राफ्स खींचने वाले, तो हम लोग रॉन्ग गाड़ी में बैठ के आ गए। वो इतनी रॉन्ग निकले कि पता नहीं था अंदर 15,000-20,000 मच्छर थे। जस्ट वेटिंग जब तक रूम की चाबी आती है। 15 मिनट हो गए और अभी तक रूम की चाबी नहीं मिली है, रूम की नहीं मिला है, तो मैं फ्रस्ट्रेशन में जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने और कॉफ़ी पीने। मैंने फ्लाइट में भी कॉफ़ी पी नहीं थी, मैं सो गई थी। सो नाउ आई एम गोइंग टू हैव माय ब्रेकफास्ट। सो होटल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा चाबी देने की सर्विस स्लो लगी। अरे स्लो नहीं, बहुत स्लो। अब सीधा सामान रूम के अंदर जाएगा और रूम मैंने देखा भी नहीं अभी। तो कोई बात नहीं, आई विल सी यू एट द ब्रेकफास्ट टेबल। मेरा ब्रेकफास्ट ओवर हो गया है और राइट नाउ मैं जिसके साथ हूँ ना, मैं ये स्पेशल इंट्रोडक्शन सबको कराना चाहती हूँ। कम 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 कम